हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से शिक्षक भर्ती का बिल्कुल नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। कल से ही जो है आवेदन स्टार्ट हुए हैं। 18 मार्च से आयु सीमा 21 से 38 वर्ष रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है, 1061 पोस्ट है, 1061 जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बहुत सारे जो है सब्जेक्ट जो कि आपको थंबनेल पर नजर आ रहे होंगे। सैलरी काफी अच्छी जो है यहाँ पर मिलने वाली है। पे स्केल की अगर हम बात करें, लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर स्केल ऑफ पे 44,900 बेसिक पे ही रहेगी। 1,42,400 तक यहाँ सैलरी आपकी होने वाली है। पोस्ट का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 18 मार्च 2024 कल से आवेदन बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं और अंतिम डेट 18 अप्रैल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। वैकेंसी पोजीशन की हम बात करें, सब्जेक्ट आप देख लें, नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लें। नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है बॉटनी में 29 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 35 है, कॉमर्स में 21, इकोनॉमिक्स में 141 वैकेंसी है, एजुकेशन में 50 है, इंग्लिश में 148 वैकेंसी है, इंग्लिश में सबसे अधिक दिख रही है। ज्योग्राफी में 5 वैकेंसी है, जियोलॉजी में 2 है, हिंदी में 1 है, हिंदी में सबसे कम नजर आई है। हिस्ट्री में 146 है, होम साइंस में 7 है, IRPM की 2 वैकेंसी है, लॉजिक की 38 वैकेंसी है, मैथ्स की 39 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की 144 वैकेंसी, साइकोलॉजी की 7, संस्कृत की 38, सोशियोलॉजी की 15 है, तेलुगु की 2 है, उर्दू की 1 है, जूलॉजी की 25 है। तो टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1061 वैकेंसी। एज लिमिट जो है 21 मिनिमम है, मैक्सिमम 38 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है चेक कर लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां बीएड नहीं मांगा गया है। मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ में आपकी होनी चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट जिनमें बीएड जो है वो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, वो सब्जेक्ट हैं कॉमर्स, एजुकेशन, जूलॉजी, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलोसफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, IRPM, तेलुगु एंड उर्दू। इनमें बीएड नहीं चाहिए। बीएड कंपलसरी रहेगा बॉटनी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी। ठीक है, वैकेंसी जो है कहाँ से आई है? तो वैकेंसी आई है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से ये वैकेंसी है। अभी देख लेते हैं सिलेक्शन जो है कैसे रहेगा। तो आपका यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन दिया है, रिटन टेस्ट होगा, करियर असेसमेंट होगा। रिटन टेस्ट जो है आपका 150 मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होंगे। करियर असेसमेंट जो है वो 50 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन के लिए रहेगा। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर 500 रुपीज अनरिजर्व कैटेगरी और SBC कैटेगरी के लिए है, 200 रुपीज SC ST PWD कैटेगरी के लिए रहेगी। ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ फीस इन द बैंक, करंट अकाउंट नंबर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ट्रेजरी ब्रांच भुवनेश्वर, IFS कोड दिया हुआ है। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन ही जो है फॉर्म भरना होगा आप लोगों को। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन जरूर पढ़े। अभी जो है कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया कि यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, बस इतना ही छोड़ देते हैं। थोड़ा नीचे जो है अगर आप सही से देखेंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। बट आप सेकेंड बी और सी जो है वो देखें, इन्होंने लिखा है कि द कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया। उड़िया भाषा जो है आपको लिखना, बोलना, पढ़ना आना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है इसी लाइन से पता लग गया है कि ओडिशा के कैंडिडेट ही जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ओडिशा के हैं मेरे सब्सक्राइबर, यदि आप लोगों तक सूचना पहुँच रही है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया है, बीएड किया है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ बिना बीएड के भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ बीएड मांगा गया है। ठीक है, थर्ड जो है इन्होंने सी में लिखा है, पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो एक भाषा सब्जेक्ट के रूप में उड़िया आपने मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन में पास आपने की हो।
तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट बिल्कुल अपना अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल ओडिशा के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे जो है अप्लाई करना है, नीचे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ओडिशा की जो है मेन वेबसाइट पर जाना है आप लोगों को। तो लेटेस्ट ओपनिंग में यहाँ पोस्ट नेम है, एडवर्टीजमेंट नंबर है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, रजिस्टर क्लिक ऑन रिस्पेक्टिव यूजर टाइप। न्यू यूजर है तो न्यू यूजर पर जाएंगे, रजिस्टर्ड यूजर यहाँ जाएंगे, और अगर एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे आप तो क्लिक हेयर टू रीड द एडवर्टीजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ओडिशा के कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।